भारतीय टीम का एक और जीत। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत के साथ ग्रुप वन की अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दो मैचों में लगातार दो जीत के साथ उनके खाते में 4 अंक हो गए हैं। इसके अलावा उनका रन रेट बहुत ही शानदार हो चुका है, 2.425 का हो गया है। वहीं उनके अपना अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को खेला जाना है। इस मैच में जीतते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर फिकस हो चुकी है। फिलहाल उनके खाते में 2 अंक है। पहला स्थान हासिल करने के लिए उन्हें रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। तीसरे और चौथे स्थान पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम है। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इस साझेदारी को और बड़ी नहीं कर सके और साकिब अल हसन की गेंद पर आउट हो गए। रोहित का विकेट लेने के साथ ही साकिब T20 विश्व कप में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। लगातार खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली का बल्ला इस मैच में देखने को मिला। 24 गेंद पर 36 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या बहुत ही शानदार पारी खेला। 68 के पारी सबसे बड़ा भागीदार और स्कोर बोर्ड में लगाया तो हार्दिक पांड्या। सीएम दुबे भी अच्छी पारी खेली। टोटल स्कोर इंडिया ने बनाया 196, 5 विकेट खोकर बांग्लादेश को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया गया, लेकिन असफल रहा और टीम इंडिया को 50 रन से जीत हासिल हुई। ये दूसरी जीत थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।